हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज 50 दिन में से 22वां दिन है, तो देखते 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 लगभग आधा टाइम कंप्लीट होने वाला है। अलार्मिंग सिचुएशन, भले ही ये कोरोना की वजह से हमारा एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाएगा और लगभग चांसेस एक्सटेंड होने के ही हैं, ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ लेकिन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने प्रिपरेशन पे हम लिथार्जी हो जाएं। अपने प्रिपरेशन का जो हिसाब किताब है ना, उसी तरह से रखना है जैसे पहले था। तो मतलब हमें यही सोचना है कि 31 मई को अपना पेपर है, तब तक हम फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे। और बाय चांस लेट सपोज कुछ दिन और एग्जाम एक्सटेंड हो जाता है, खिसक जाता है, तो भाई वो सारी चीज़ें हमारे लिए एड ऑन होंगी, रिवाइज करना और सब चीज़ें करना, ठीक है ना? तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। तो 22वां दिन है आज, हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1918 के बाद वाला पढ़ेंगे, है ना? वो सब करेंगे। क्या करेंगे इस लेक्चर में भाई? देखो, आज का जो काम आपको दिया हुआ है वो करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको तैयार रखना था, और साथ में थोड़े बहुत बोल बच्चन कर लेंगे। उससे पहले एक दो काम की बात बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में आपको ये सब तैयार रखना था। क्या तैयार रखना था? एक तो गांधी जी आए, देखो गांधी जी से रिलेटेड हर चीज तैयार करनी है। गांधी जी कहाँ बैठते थे, उठते थे, मतलब लिटरली नहीं, लेकिन गांधी को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना, तो बहुत तरीके से अपने अपने इंडियन एथोस को समझ लिया, इंडियन कल्चर को समझ लिया, एथिक्स को समझ लिया। गांधी जी वो मोर ओवर वॉज अ मॉरल पर्सन, मतलब जितना ज़्यादा इंसान, अगर कोई बैलेंस इंसान हो सकता है ना, वो गांधी जी थे। बैलेंस भी, मॉरल भी, और एक वर्कोहोलिक, वर्कोहोलिक तो नहीं, कर्मठ पुरुष। वर्कोहोलिक तो हमारे जैसे बेवकूफ लोग भी होते हैं, लेकिन वो एक कर्मठ पुरुष थे, है ना? हमारे अंदर तो कर्मठता नहीं है। अब अपन क्या, कई बार अपने ना क्या बोलते हैं, रास्तों से भटक भी जाते हैं, काम बहुत करते हैं लेकिन भटकाव भी हमारे जीवन में। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी है ना, उनका काम करने का तरीका, एवरीथिंग वॉज अलाइंड, ठीक है? तो गांधी जी को हर तरीके से, सोशली गांधी जी को, मॉरली और पॉलिटिकली अच्छी तरह से अपने को गांधी जी को तैयार करना है। मतलब गांधी जी तो तैयार ही थे, हमको उनकी नॉलेज को लेके अपने आप को तैयार करना है। बहुत बढ़िया। तो सारी गांधीयन पॉलिटिक्स, बीच जितने भी इवेंट्स हुए थे इस बीच में, उनकी तैयारी करनी, स्वराज पार्टी वगैरह, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन क्या आया था, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी और RIN, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी हुई थी, फ्रीडम हुआ था, फिर पार्टीशन हुआ था, तो वो सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे। साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा था करंट अफेयर्स का, उसको तीन हिस्सों में बांटा अपन ने। तो एक हिस्सा हो गया था, अब दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेना था, ये करना था, ठीक है? अच्छा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड एक और लेक्चर होएगा, 5-7 दिन बाद में होएगा, तो उसमें करके अपना पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तैयार हो जाएगा, तो यहाँ तक अपना कल्याण हो जाएगा। अब देखो, एक और काम की चीज़ बताता हूँ मैं। मैंने 95 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन छांटे, तो छांटने के बाद में मुझे लगभग 200 से 225 क्वेश्चंस मिले। अब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना तो पॉसिबल है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास में 20 से 25 सवाल सॉल्व करवा दूंगा। पिछली क्लास में भी मैंने अराउंड 25 करवाए थे, और नेक्स्ट क्लास में भी 25 एक सवाल करवा दूंगा। फिर भी आपके पास में बहुत ज़्यादा मौका रहता है कि आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सको, तो अपने से कोई बुक मिल जाए, काफ़ी पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, है ना, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, वहाँ से आप उनकी प्रैक्टिस करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब एक दो चीज़ और बता देता हूँ, फिर जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दो, तो भाई साहब सीधी सी बात है, मैं कौन होता हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला है? यूपीएससी में इतने प्रकांड विद्वान टाइप के लोग काम कर रहे हैं, तो वो बनाएंगे ना उस हिसाब से, है ना? हमारी क्या नॉलेज उनके सामने कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दें। अच्छा चलो, इक्के दुक्के आ भी जाए तो उससे फायदा क्या? हम पढ़ना कैसे है वो समझ लें, क्वेश्चन की फिलॉसफी क्या होती है वो समझ लें, फिर हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से क्या मतलब। हम ओरिजिनली इतने इक्विप्ड हो जाएंगे कि कोई नया क्वेश्चन भी आएगा ना, तो उसको हम अटेम्प्ट करने लायक हो जाएं। तो देखो, हम ज्यादा फोकस अपना बेस बनाने में करें वो ज्यादा बढ़िया, या फिर बेस बनाया नहीं और रैंडमली कुछ भी पढ़ाई करें। ये जो जितना भी मार्केट चल रहा है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन ये हो गया, तो यार एक बात बताओ, अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहां से सब आ रहे होते तो उन सबका सिलेक्शन नहीं होता क्या? तो
एक बात बता रहा हूं, लाइफ में ना ना तो कोई शॉर्टकट होता है ना कोई लॉन्ग कट होता है, एक ही कट होता है जिसको बोलते हैं ट्रुथ। और ट्रुथ क्या होती है, हमारे बेस से डिपेंड करती है। यही गांधी जी का सत्याग्रह था। तो बोले ना तो लाइफ में शॉर्टकट लो ना कोई लॉन्ग कट लो, सच्चाई के हिसाब से तैयारी करो, आपका काम हो जाएगा। तो बस यही है, अपना बेसिक क्लियर करते रहो और यूपीएससी किस फिलोसफी पे क्वेश्चंस पूछती है उसको समझते रहो। अच्छा, दूसरी चीज और भी बोलते रहते हैं सर, करंट अफेयर से करवा दो, वो करवा दो। तो देखो, हमारी जो 50 डेज की सीरीज है ना, उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। इस सीरीज के अंदर हमने क्या क्या है, देखो इस सीरीज के अंदर हमने एक तो आपको प्लान दिया है कि आप इस प्लान के हिसाब से क्वेश्चन मतलब अपनी तैयारी करते रहो। क्यों? जिससे आपके ऊपर एक नैतिक दबाव रहेगा, मॉरल सुएशन रहेगा कि हाँ यार, सर ने हमको काम दिया है तो इतना हम पढ़ लें, वरना लास्ट टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो एक तो ये एम है इस सीरीज का। और दूसरा एम ये है कि पहले सालों में किस तरह से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, किस तरह की अप्रोच स्टूडेंट से डिमांड करती है यूपीएससी, उसको समझना। और वो कैसे समझेंगे, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही समझेंगे, है ना। अगर मान लो सब कुछ डालने लग जाए तो खिचड़ी नहीं हो जाएगी? तो बस अब खिचड़ी में मजा नहीं आता, 3 दिन से खिचड़ी खा रहा हूँ लॉकडाउन के टाइम में, तो बहुत ज्यादा खिचड़ी भी अच्छी नहीं लगती, है ना। अब बर्गर पिज्जा चलेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे हमेशा की तरह कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्या कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ये है कि ये केवल कॉमन सेंस से स्टार्ट हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में क्या क्या हुआ था, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है वट ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मैं सीधा जाता हूं इन लॉर्ड, दूसरे स्टेटमेंट पे जाता हूं, इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वॉर। अब देखो, आपको पता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो 1916 से लेके 21 तक थे इंडिया के वायस रॉय। बहुत बढ़िया। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, और देखो गांधी जी ने और नेहरू जी ने ये सोचा कि ब्रिटिशर्स की लॉयलिटी गेन करने के लिए हमको, या फिर इनको थोड़ा सा ये अपने को, है ना, क्या पता नालायक नहीं होंगे, हमें ये फ्रीडम देना चाहेंगे, फ्रीडम दे देंगे, तो इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी चाहिए। तो क्या हुआ, उन्होंने तो हेल्प की थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि गांधी जी ने वॉर कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं किया था। तो ऑप्शन टू गलत है। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही मेरा ऑप्शन टू गलत हुआ ना, तो जहां जहां पर ऑप्शन टू है मैं उसको गया काटने। बस, तो काटा पिटी बचाने के बाद में सीधा ऑप्शन बी आया। कितना बढ़िया काम हो गया। ये कॉमन सेंस से हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब ये डायरेक्ट किसी बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरह से अपने को कॉमन सेंस डेवलप करना है। और ये वाले जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है ना, यूपीएससी पूछती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी नहीं बनाते इस तरह के क्वेश्चंस। बहुत मुश्किल है बनाना, है ना, इतनी मेहनत नहीं हो पाती है। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मेहनत करो। और बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बढ़िया। अब देखो, हमें ऑलरेडी पता लग गया ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 3 भी सही है। गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इस तरह के काम किए ही थे गांधी जी ने। ये जो इंडेंचर्ड लेबर थे ना, इंडिया से लोग लेके चले जाते थे और फिजी, अफ्रीका वगैरह में और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में, वहां पर उनसे लेबर के काम करवा रहे थे, फिर वो वहीं बस जाते थे। तो इंटेंजेड लेबर था, तो एक तरीके से एक्सप्लोइटेशन होता था। और गांधी जी दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा काम किए हैं। तो ऑप्शन 1 सही है। अच्छी बात। ऑप्शन 3, अगर ये किसी को पता भी नहीं होता ना, कुछ भी पता नहीं होता, तो ऑप्शन 2 से वो निकाल लेता। आगे देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, कंसिक्वेंटली अपॉन ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कॉलोनियल रूलर्स। बिल्कुल भाई साहब, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो एक बात बताओ, आप रूल तोड़ोगे तो इलीगल तो घोषित होगी, तो ये तो लाख रुपए की बात है। अब गलत रूल भी तोड़ो तो अलग बात है। एक मूवी आई थी द ग्रेट डिबेटर्स, देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो प्रोफेसर ऑगस्टीन बोलते हैं उसमें, एन अनजस्ट लॉ इज नॉट अ लॉ एट ऑल। सेम कॉन्सेप्ट पे गांधी जी चलते थे कि भाई हाँ, अनजस्ट लॉ इज नॉट अ लॉ एट ऑल। बहुत बढ़िया। फिल्में देखते रहा करो। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभ्यास की निरंतरता सफलता की कुंजी है, और यही जीवन की हमारी पूंजी है। और ये ढोलूराम भी प्रैक्टिस कर रहा है ना,
तो बस वैसे ही हम भी प्रैक्टिस करेंगे, बढ़ते हैं आगे। सीधी सी बात है, 2017 का एक क्वेश्चन है, एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट क्यों किया गया था? प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, और अंग्रेज इतने अच्छे हैं नहीं कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो आया था मान लो, है ना, वो 1935 के एक्ट में। धीरे धीरे वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिखा भी रहे थे, लेकिन तब अच्छी अच्छी बातें नहीं थी। अच्छा, आर्बिट्ररी पावर टू मैनेज टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो यार डिस्प्यूट भी उनको खत्म करने से क्या मतलब। एन इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, ये भी नहीं। अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक, उस टाइम पे बहुत ज्यादा बैन लगते थे। मैंने वो वाला अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे को ये क्वेश्चन ना, मैंने ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, वैसे तो इसमें पेज नंबर 615 स्पेक्ट्रम वाली बुक है ना, उसमें दिया हुआ है डायरेक्टली, है ना। लेकिन भाई इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं, याद कहाँ रहती है। लेकिन मैं ना उसको सही करके आया था, बताऊं कैसे। मैंने देखी थी मूवी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 में, और मेरे को वहां का ये सीन याद आ गया भाई साहब। फोटोजेनिक मेमोरी हो गई थी उस टाइम पे। बॉम्बे मिल स्ट्राइक, ट्रेड डिस्प्यूट एंड सेफ्टी बिल, बस यहां से मैंने कर दिया सही कि यार ये तो स्ट्राइक को दबाना चाहते हैं। और इसी चीज को लेके सरदार भगत सिंह संकल्प ये लेते हैं कि हमारी आवाज जनता तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सरकार किसानों को भी दबा रही है और मजदूरों को भी दबा रही है। तो यहां से मैंने इस क्वेश्चन को सही किया था। मैं बता रहा हूँ, फिल्में देखने से, अपने सराउंडिंग्स में अवेयर रहने से बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ये किरकुक और मौसूल वाला जो क्वेश्चन था, तो वो भाई की फिल्म देख के, सलमान भाई की जो फिल्म थी एक था टाइगर, उससे, एलेप्पो, ये सारे क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा महत्व होता है आईएएस बनाने में, है ना। तो शत शत नमन हमारे अजय देवगन जी को कि उसने ये वाला क्वेश्चन मेरा सही करवाया था, ऐसे सही हो जाते हैं। चलो, एक इंसिडेंट बताया था और एक अप्रोच बताई थी, किस तरह से आप अपने दिमाग को खोल के रखो। और केवल रटने से भी काम नहीं चलेगा, कुछ चीजें रटनी भी पड़ेंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर सराउंडिंग्स, क्योंकि इसी सराउंडिंग में रहना है, यही काम करना है। आगे चलते हैं। बटलर कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2017 में पूछा था, फैक्चुअल क्वेश्चन तो है, लेकिन रेगुलर सोर्सेज में, जैसे मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम है ना, उसमें बिल्कुल दिया हुआ है, तो वहां से पढ़ो इसको। तो इसका आंसर क्या था? रिलेशनशिप इंप्रूव करना था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। तो देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन जितने भी पूछते हैं ना, फैक्चुअल क्वेश्चन जितने भी पूछते हैं, तो वो मल्टीपल रिविजन करते रहोगे ना बुक का। मतलब एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला ये बनाया हुआ है कि कम से कम एक किताब को 5 बार पढ़ो, बहुत ज्यादा याद हो जाएगी वो। 5 बार पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, दोस्तों के साथ में एक्सचेंज कर करके पढ़ो कि भाई मैंने तेरे को बता दिया, तूने मेरे को बता दिया, तब जाके तैयार हो जाएंगी, है ना। और कई बार क्या होता है, बहुत होशियार बच्चे भी क्या रिविजन नहीं करते ना, तो याद नहीं रहती हैं चीजें। तो याद रखने के लिए बार बार रिवाइज करोगे तो ऐसे क्वेश्चन मैनेज हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक और बात बताऊं, ये बटलर कमीशन वाला क्वेश्चन ना, पता नहीं 95 से लेके अब तक कम से कम भी 5 बार कैसे ना कैसे करके पूछ लिया गया है। तो इसको बार बार अगर किसी ने कर लिया होगा ना, तो वैसे ही सही कर देगा इस क्वेश्चन को। चलो ठीक है, वो भी नहीं। बटलर कमीशन है, इम्प्रूव सेंसरशिप ऑफ नेशनल प्रेस। सेंसरशिप से रिलेटेड कुछ एक एक्ट आए थे जिनका ना बटलर तो नहीं था, उसके लिए कमीशन नहीं बैठाएंगे ना, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत होता है। डिफाइन द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये भी नहीं बैठेगा। डिफाइन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे ना, उसके लिए बटलर कमिटी नहीं। साइमन वाइमन कमीशन बटाई थी, और अपने इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री कमेटी बटाएंगे, तो बाकी जम भी नहीं रहे हैं। हाँ, इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स, दो अलग अलग एंटिटी हैं, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स, तो बस उनके बीच में अलग से कोई कमेटी वमेटी बनाएगी। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे देखते हैं। अगला वाला क्या है? राधाकांत देव वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो क्या करूंगा, नहीं पता। गजुलू लक्ष्मी नरू चेट्टी, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा, फैक्चुअल। सुरेंद्र नाथ बोस, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये तो बहुत ज्यादा हमें पता रहता है। बहुत बढ़िया, तो तीन जहां जहां पे है ना, उनमें से ही होगा, तो ऑप्शन वन तो नहीं है, वन ओनली तो नहीं है। अब देखो, मैंने भी ये वाला क्वेश्चन सही किया था एग्जाम में, कैसे,
मैंने क्या सोचा, गुजुलू लक्ष्मी नारायण चेट्टी को मैंने गलती से उस टाइम पे वहां पे शेट्टी पढ़ लिया था, और मैंने देखा शेट्टी जो सुनील शेट्टी और सब शेट्टी जो है वो तो तमिलनाडु के, वो सॉरी तेलुगु लोग होते हैं आंध्र प्रदेश के। तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, मेरा अप्रोच गलत था क्योंकि मैंने एक गलती से सही हुआ, लेकिन मैंने इस दो ऑप्शन को काटा। तो दो ऑप्शन जहां जहां पे थे ना उन दोनों को मैंने काटा, तो ये भी कटा और ये भी कटा, और तीन का मुझे श्योर था, तो मैंने क्या कर दिया था, ऑप्शन बी लगा दिया। अब आप सोचोगे कि सर ये तो बढ़िया है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो रहे होते हैं ना तो ऊपर वाला ऐसे मदद कर देता है अपनी, लेकिन ये अप्रोच मेरी गलत थी। अगर मैं उसको फिर से पढ़ता ना क्वेश्चन को जल्दी से, तो चेट्टी पढ़ता तो मैं फंस जाता और चेट्टी को भी शेट्टी मानता। बाद में मैंने घर पे आके देखा और मतलब मैं घबरा गया चीजों को लेके, यार ये तो चेट्टी मद्रास का ही आदमी है। जब ऐसा हो ना तो यार फिर तुक्का मार भी नहीं सकते, ऑप्शन बी ही है इसका, लेकिन तब तुक्का नहीं मार सकते। तो क्या करो ऐसे क्वेश्चंस को, अगर फैक्चुअली बिल्कुल आप करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो, तब तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, वरना यू हैव टू लीव सच क्वेश्चंस। लीव सच क्वेश्चंस होते हैं ना कि किस तरह के क्वेश्चंस को हमें छोड़ना चाहिए, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी और मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी छोड़ने चाहिए। अब ये मैं विजडमफुल राय दे रहा हूँ आपको, आपके हिसाब से कुछ और चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक जनरल अप्रोच ऐसे ही की जाती है। आगे चलते हैं, ये वाले डेंजर क्वेश्चन है, ये तमराज गिलविश है, और यहाँ पे ना अंधेरा कावे कायम रहेगा। ऐसे क्वेश्चन से भीगी बिल्ली बनना ही अच्छा है। पूछो कैसे, 2019 का क्वेश्चन था, क्या पूछा है इसने, विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन पोजिशन हेल्ड। अब ऑप्शन टू में क्या दे रखा है, केसी निगोय कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था। पता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के 389 मेंबर्स थे भाई, इतना याद रखोगे तो भाई यहां पे ना हाथ खड़े कर दो। अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है क्वेश्चन के आंसर्स तो करो, वरना क्विट सच क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर है तीनों, 1 2 3, तो तीनों का श्योर होना चाहिए आपको, है ना, तो तुक्का भी नहीं मारा जा सकता। एटलीस्ट दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाए तब भी अपन तुक्का मारे, लेकिन भाई यहाँ पे तो एक ही एलिमिनेट नहीं हो रहा। तेज बहादुर शत्रु सप्रू जो थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, श्योर ही नहीं हूं मैं। पीसी जोशी तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, तो ऑप्शन थ्री तो होएगा इन दोनों में, तो ऑप्शन ए कटा और ऑप्शन बी कटा। लेकिन सी और डी में ऑप्शन कितने अजीब दिए हुए हैं, थ्री ओनली, बहुत बढ़िया। और अगला 1 2 3, तो बताओ यार बाकियों की मैं कैसे शॉर्टी लेके आऊं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर 389 है, कैसे बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस डेंजर क्वेश्चन होते हैं, गलती से भी हाथ मत लगाना ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, भीगी बिल्ली बनना अच्छा है, वरना ये यूपीएससी रूपी जो ये शेफर्ड है ना, भयंकर वाले भेड़िया किस्म के कुत्ते हैं, खा जाएंगे आपको। तो मे बी आई शुड जस्ट लीव, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना, छोड़ना भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है ना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस करने के हैं सारे, ये इजी क्वेश्चन पूछती है मॉडर्न इंडिया से, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, सारे क्वेश्चन ऐसे सही होने चाहिए। क्या बोलता है, द प्लान ऑफ स्टेफर्ड क्रिप्स एनविसाज दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऐसी तो बात ही नहीं करते थे, इंडिया शुड बी पार्टीशन इंटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस लास्ट तक। माउंटबेटन भी आया था ना, तब तक भी वो चाहता था कि टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट ना किया जाए, देश को नहीं बांटना है। अगला, इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। अरे कॉमनवेल्थ तो अभी भी ज्वाइन कर रखा है अपन ने, तो ये बात नहीं, डोमिनियन स्टेटस देंगे, है ना, डोमिनियन स्टेटस देंगे, उसने ये बोला था। लेकिन हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए था 1929 के बाद से ही, है ना, भगत सिंह ने ऐसी अलख जगाई कि सब पूर्ण स्वराज की तरफ जाने लग गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोच पकड़ने की कोशिश करो बस। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अब देखो कुछ कुछ इवेंट्स है ना, कुछ कुछ इवेंट्स, कुछ कुछ पार्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत काम की हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी तैयार होने चाहिए। तो शायद 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी नहीं थी, इसमें लोहिया जयप्रकाश नारायण वो सब थे। तो क्या बोलता है, कौन से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें, ये बोलता है इड
इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस, हो सकता है। इट वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेट्रेट्स। देखो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए जाएगी। देखो प्रोलेट्रेट्स को हक मिलना चाहिए, लेकिन डिक्टेटरशिप की तो बात नहीं करेंगे ना। प्रोलेट्रेट किसको बोलते हैं? वर्किंग क्लास कम्युनिटी को बोलते हैं। तो ऑप्शन टू गलत है, तो ऑप्शन टू जहां जहां पर है उसको काटो। ऑप्शन टू से ए ऑप्शन कटा और सी कटा। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लास, वो भी गलत है। तो ये आया ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और वो कैसे? सिनेरियो बेस्ड तरीके से अपन पढ़ेंगे ना सारी चीजों को, तो हमें बढ़िया से समझ में आएंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who of the following organized a march on Tanjore Coast to break the salt law in April 1930? डांडी मार्च के बाद में और जगह भी सॉल्ट ब्रेक के लिए मार्च हुई, तो किसने की? तो देखो एनी बेसेंट तो तब तक नहीं थी, एनी बेसेंट तो ऑप्शन कटा। अब कामराज बचे, राजगोपालचारी और चिदंबरम पिल्लई। पिल्लई तो सी राजगोपालचारी थे ना, बड़े स्टालवर्ट लीडर थे उस टाइम पे, और तमिलनाडु में तो भयंकर लेवल पे इनका काम चलता था, मद्रास प्रोविंस में। तो इन्होंने किया था। तो देखो मोटा मोटा इवेंट क्या था, डांडी मार्च, जिससे कि हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया था। उसमें कौन से तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, कहाँ कहाँ पे हुए और कौन से लीडर्स थे, तो उनकी तो तैयारी हमारी होनी चाहिए ना। देखो कोई भी जो मूवमेंट होता है ना, कोई भी मूवमेंट होता है तो वो अपने आप में एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है। उससे पहले क्या उसके लिए सिचुएशन बनी, उसके अंदर मूवमेंट के अंदर क्या क्या हुआ, प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन थे और उसके आउटकम क्या निकले, उसकी तैयारी हमारी होनी चाहिए ना बड़ी अच्छी सी। तो उसी तरीके से करेंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इजीली मैनेज हो जाएंगे, और सभी स्टैंडर्ड टेक्स्ट में, स्टैंडर्ड बुक्स में ये सब चीजें दी हुई हैं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ये देखो भारत रत्न श्री राजगोपालचारी जी, ये हैं, काला चश्मा लगाते थे, और तेरा काला चश्मा मैंने कैंदुए और आगे मेरे को गाना आता नहीं है, तो एकदम ना काला चश्मा लगा के टिप टाप बन के रहते थे। और इस मार्च को जो तंजावर में हुई थी उसको वेद वेद रण्यम मार्च भी बोलते हैं, या फिर वेद रण्यम सत्याग्रह भी बोलते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 2015 का। कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन में और क्रिप्स मिशन में सारे बंदे कॉमन थे। जो क्रिप्स मिशन में लोग आए थे वही कैबिनेट मिशन में आए थे। एक तो थे सर पैट्रिक लॉरेंस, एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और तीसरे बंदे कौन थे, कुछ अलेक्जेंडर करके थे, है ना। तो ये तीन लोग आए थे। तो बढ़िया, क्या बोलते हैं, इट रिकमेंडेड गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ओके, इट एनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स और इट प्रोवाइड फॉर मोर इंडियंस इन द ICS। तो देखो फेडरल गवर्नमेंट की तो बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, पहले तो ये समझ लो। जैसे US है ना, उसके अंदर स्टेट्स हैं सारे, तो स्टेट्स का बराबर अधिकार है और सेंटर का भी बराबर अधिकार है, तो समकक्ष रूप से चलते हैं, है ना ये सारे। तो फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन तो इन्होंने की थी, फेडरल गवर्नमेंट के इन्होंने रिकमेंडेशन की थी, तो ऑप्शन ए ही सही है। लेकिन कांग्रेस ने इसीलिए इनको नेगलेक्ट कर दिया कि भाई हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, हमें मतलब क्वासी फेडरल गवर्नमेंट चाहिए। तो वाई कैबिनेट मिशन फेल, द कांग्रेस पार्टी वॉन्टेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विद मिनिमम पावर ऑफ प्रोविंसेस। तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं हुई ना, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट हुई विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब इंडिया जो है वो कनाडा वाले मॉडल के हिसाब से किया इंडिया ने अपना फेडरेशन का हिसाब किताब। तभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता, है ना। पॉलिटी पढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह किया था क्या, Which one of the following are correct? बताओ। The Rowlatt Act was based on the recommendation of Sedition Committee. Sedition के चार्ज लगते हैं, तो बात तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन वन तो बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन वन जहां जहां पे नहीं है उसको काटो। तो काटा पिटी मचाना स्टार्ट किया तो तीन कटा, बहुत बढ़िया। तलवार ले रखी है अपन ने और जैसे ही आता है ना ऑप्शन खटाक से काट देते हैं। अगला, इन रॉलेट एक्ट गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। बिल्कुल सही बात है, होम रूल लीग का ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था और 1920 के अंदर तो गांधी जी को प्रेसिडेंट भी बनाया गया था होम रूल लीग का, तो यूटिलाइज तो किया गांधी जी ने। तो दो ऑप्शन भी सही है, तो दो ऑप्शन जहां जहां पे नहीं है उसको भी काटो, तो बहुत बढ़िया। तो काटा पीटी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ऑप्शन ए भी काटा, बढ़िया। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं अपने। अगला क्या बोलता है, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह, है ना? डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट, तो यार साइमन कमीशन तो 1927 में आई थी, है ना, और ये रॉलेट सत्याग्रह तो 1919-20 में चल रहा था, तो ये तो नहीं है। तो जैसे ही अपने को पता चला ऑप्शन तीन गलत है तो कटा, तो ऑप्शन बी आया। देखो ये काटने पीटने वाली अप्रोच सबसे बेस्ट होती है, देखो नाम ही है ये काटना पीटना, वॉयलेंस दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच है। एलिमिनेट करना सबसे ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच क्या है कि हमें ये ढूंढना है पहले कि इसमें ऑप्शन गलत कौन सा है। गलत से प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे सही पे पहुंच ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो गलत नहीं होता ना वो सही होता है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, तो रॉलेट एक्ट क्या था इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ऑफिशियली नोन एज एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोला जाता था, बोले किसी को भी हम बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल देंगे। तो भाई ये तो अंग्रेजों का क्या था, अत्याचारी था, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन क्या बोलता है, इन 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1929 का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, उन्होंने क्या बोला था, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडोप्टेड, हाँ पूर्ण स्वराज वाली बात बिल्कुल सही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च, नहीं वो तो पहले ही हो गया था। डिसीजन टू पार्टिसिपेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो जम ही नहीं रहा था क्योंकि कांग्रेस के अलग अलग पार्टी सब जा रही थी ना, तो कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया टूटे नहीं, मिल बांट के सब जाएं, तो ठीक है पॉलिटिक्स हर टाइम पे चलती रहती है। तो पूर्ण स्वराज वो चाहते थे और रावी नदी पर झंडा भी फहराया था, है ना। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी ये फ्लैग था चरखे वाला, जो कि उस सेशन में 1929 के सेशन में जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फ्लैग होइस्ट किया था रावी नदी के किनारे। बहुत बढ़िया, लाहौर में ये 1929 का सेशन हुआ था, है ना, लाहौर। अच्छा जैसे है ना, आज मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मैंने लाहौर लिखा, तो पता है वो वाला गाना गुरु रंधावा वाला, लग दी लाहौर दी वाला, सबसे ऊपर वो ही आ रहा है, बताओ है, लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब से चल दिया टाइप से ना, उसमें सारे फिर है ना लंदन भी आ गया और पंजाब भी आ गया, दिल्ली विल्ली सब देशों की लड़कियों की तारीफ कर दी उसने। चलो ठीक है, मतलब देखो गाने कितने फेमस हो जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 2013 में क्वेश्चन पूछा था। देखो कोई भी जो मूवमेंट पूछ रहे हैं तो उसकी क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, उसके रीजन क्या थे, उसका रिस्पॉन्स क्या था, वही अप्रोच चल रही है ना, जैसे बार बार मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही करना है। क्या बोलता है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द रिस्पॉन्स टू, बात बताओ किसके रिस्पॉन्स में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 40s में आया, वेवेल प्लान लेट आया तो साइमन कमीशन कटाओ, कैबिनेट मिशन प्लान तो लास्ट में आया था, तो क्रिप्स का जो प्रपोजल था ना तब, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर, है ना। इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति रशिया में हुई थी 1924 में, तो वैसा ही इंडियन अगस्त मूवमेंट बोला जाता है। और गांधी जी ने आह्वान किया था कहां से, गोवालिया टैंक, गोवालिया टैंक पे एक मैदान है ये, मतलब एक ग्राउंड है, तो वहां से लोगों को आह्वान किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एलिमिनेशन कुछ में लगती है कुछ में नहीं लगती है, लेकिन समझ पा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2013 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलता है, द पीपल ऑफ इंडिया
एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आई थी, क्यों आई थी? तो भाई साहब ये बोलते थे कि हर 10 साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब किताब, एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब किताब देश में कैसे चल रहा है, तो उसके लिए हम टाइम टू टाइम कमीशन बनाते रहेंगे। और अंग्रेज कह रहे थे कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, 1917 में उन्होंने बोला था, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आई है। अब वो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर है ना, लेकिन पोपले थे वो, पोपले समझते हो ना, जिसके सालों के दांत ही नहीं होते, तो पोपले बोलते हैं उनको, अंग्रेज थे पोपले। तो इंडियंस जो थे साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे, और इस विरोध में लाला लाजपत राय को भी मार दिया गया था। तो क्या था, इंडियन नेवर वांटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ 1919, मतलब इतना पसंद करने लगे कि इसको रिव्यू मत करो, अरे नहीं, बोले इसको तो हटा के फेंको। साइमन कमीशन रिकमेंडेड द अबोलिशन ऑफ डायार्की, ये भी नहीं। साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, अरे यार चौधरी रहमत खान 1933 में तो पाकिस्तान का नाम लेके आए, 40 के अंदर रिजोल्यूशन पास हुआ था, उससे पहले तो नाम ही नहीं था। पार्टीशन की थोड़ी बहुत बात तो चलती थी कि एक इस्लामिक नेशन बने अलग से मुस्लिम लीग, लेकिन उन्होंने लास्ट तक नहीं बोला था कि पार्टीशन करेंगे, तो ये भी काटो। हाँ, देर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, बात तो बिल्कुल सही थी, ऑप्शन सी, कि भाई तुम इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना चाहते हो, एक इंडियन उसके अंदर है नहीं, तो क्या खाक करोगे यार, ये कोई बात हुई, मतलब तुम मतलब है ना टप्पू दे रहे हो यार हमको, पप्पू बना रहे हो हर बार, एक पप्पू बहुत है हमारे लिए देश के अंदर, सभी को पप्पू बना दोगे। तो 7 मेंबर थे इस कमीशन में, 7ों के 7 गोरे, सर जॉन साइमन जो कि चेयरमैन थे, उसके बाद में क्लेमेंट एटली जो कि बाद में पीएम भी बने थे, और क्लेमेंट एटली भारत की आजादी के टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नॉन हार्ट्समैन, मेरे को तो नाम ही याद नहीं होते, जॉर्ज लेने फॉक्स, डोनाल्ड हॉवर्ड, तो थे भाई, इनके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं, तो 7 मेंबर थे। और इसका एम क्या था, एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इन 1919, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट अ कमीशन वुड बी सेंड टू इंडिया आफ्टर 10 ईयर्स टू एग्जामाइन द इफेक्ट्स एंड ऑपरेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड सजेस्ट मोर रिफॉर्म्स फॉर इंडिया। तो ये दिखाने के रिफॉर्म्स थे, काम करने के रिफॉर्म्स नहीं थे, तो इसीलिए नवंबर 1927 के अंदर साइमन कमीशन आई। बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं अपन। लाहौर सेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, अभी अभी अपन ने किया था, रिपीट भी हो रहे हैं, है ना, 2-3 साल के बाद में रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। क्या बोला, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज द कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बात तो बिल्कुल सही है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ऑप्शन 1 जहां जहां पे नहीं है उसको काटो, तो काटा। अगला क्या बोलता है, द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वॉज रिजोल्व्ड। अरे नहीं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का मामला तो अलग था, है ना, उसको तो हटाओ, वो तो पहले ही रिजोल्व हो गया था होम रूल के बाद में, और उसके बाद तो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स वाला भी कॉन्सेप्ट आया था, पता नहीं क्या क्या निकला था, तो ये 2 ऑप्शन हटाओ, तो 2 ऑप्शन जहां जहां पे उसको भी काटो, तो 2 भी कटा, 1 तो सही। अब 3 को देखना है, एज अ रेजोल्यूशन वो पास्ड रिजेक्टिंग द 2 नेशन थ्योरी, यार उस टाइम पे 2 नेशन थ्योरी टाइप की बातें ही नहीं थी, तो ऑप्शन 3 भी जहां जहां पे उसको भी काटो। तो इस तरीके से अपना बना ऑप्शन A आंसर, कितना बढ़िया आंसर आ गया ऑप्शन A। नेक्स्ट देख लेते हैं, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले कॉइन किया था वर्ड 1933 में, और लाहौर का जो रेजोल्यूशन हुआ था तो इसमें बोला था कि द मेन रेजोल्यूशन डिफाइनिंग देयर गोल एज द डिविजन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स कंस्टिट्यूटिंग मुस्लिम इंडिया एंड हिंदू इंडिया वॉज यूनैनिमसली कैरिड आउट एंड दैट। तो देखो 1940 का जो लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था ना मुस्लिम लीग का, उसने बोला था कि 2 नेशन थ्योरी टाइप बात ऑफिशियली, उससे पहले बातें तो सर सैयद अहमद खान के टाइम से चालू हो गई थी। अब रॉलेट एक्ट पे बार बार फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं बताऊं रॉलेट एक्ट को तो इन्होंने इतना रगड़ा है ना, इतना रगड़ा है कि रॉलेट एक्ट जो है वो रोही हो गया है पूरा,
है ना, घिस चुका है पूरा, एक्ट से एक्टर हो गया है अब। क्या बोलता है, कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स, नहीं हमको पता ही है, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, हाँ बाकी काटो सारे ऑप्शन, ऑप्शन भी है ना, कितनी बार यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखो थोड़े बहुत क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा मैं आपको, खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लेना यार सारे, और क्वेश्चंस में जो ऑप्शन नहीं है ना उनकी स्टडी थोड़ी सी किया करो आप खुद से, कि यार ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अल्टीमेट एम है हमारा आपको सेल्फ इक्विप्ड बनाना, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को आईएएस नहीं बना सकता। अगर मैं आपको आईएएस बना लेता तो मैं अपने आप को 4 गुना आईएएस बना लेता, पर ऐसा नहीं है, खुद की मेहनत खुद को ही करनी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, फॉर द कराची सेशन 1931 का, प्रिसाइडेड बाय सरदार पटेल, हु ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सबको पता है रटने वाली चीज है, पंडित नेहरू, ऑप्शन बी। लेकिन लेकिन देख लेते हैं, बी आर अम्बेडकर तो हिस्सा ही नहीं थे इसका, कांग्रेस के हिस्सा ही नहीं थे, बी आर अम्बेडकर कांग्रेस के मेंबर थोड़ी थे, तो हटाओ। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं, महात्मा गांधी उस टाइम पे बाकी चीजों में बिजी थे, कानपुर राइट पे स्टेटमेंट दे रहे थे और बाकी काम कर रहे थे, और गांधी जी का इस तरह से इकोनॉमिक प्रोग्राम वगैरह, गांधी जी क्या थोड़े से गांधीयन प्रिंसिपल्स रूरल इंडिया को लेके उस तरह से एटीट्यूड था, तो इकोनॉमिक प्रोग्राम वगैरह उस तरह की चीजों की समझ इनको थोड़ी कम थी, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बनते हैं क्योंकि उन्हीं की इस तरह की आइडियोलॉजी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना गांधी जी के इतर थे, लेकिन है ना जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जा रहे थे ना, गांधी जी की एक छोटी सी स्टोरी, और ये प्रधानमंत्री सीरीज पता नहीं मैंने कहाँ पे देखा था, तो लास्ट में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जब जा रहे थे ना, तो उसमें बाबू जगजीवन राम गांधी जी के पास में आए थे उनके आश्रम में, सेवाग्राम वाला आश्रम था कि कौन सा था मुझे याद नहीं, ये कोई फैक्ट, वो फैक्ट नहीं है, कोई एग्जाम में भी नहीं आने वाला, पर वहां पे जगजीवन राम उनके पैर छूने आए थे, तो गांधी जी ने बोला था कि बोले अंबेडकर से हमारे कितने भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वी हैव सो मेनी आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट डिफरेंसेस विद दैट पर्सन अंबेडकर, बट कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में इतनी जानकारी वाला बंदा हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है, और बोले हमने अगर उसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं किया तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो गांधी जी के कहने पर अंबेडकर जी को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया, भले ही धुर विरोधी थे एक दूसरे के, तो वो उस टाइम के लोगों की आइडियोलॉजी, कंपैशन, समझदारी, साथ में लेके चलने का एटीट्यूड दर्शाता है कि किस क्वालिटी के लोग थे, मतलब वो लोग कितने, मतलब क्या बोल सकते हो, मोरालिटी देखो उन लोगों की, है ना, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब अहंकार से दूर मेहनत करने वाले लोग थे। और आज के पॉलिटिशियंस देखो, है ना, कल ही स्टेटमेंट दिया कपिल सिब्बल ने कि मोदी गवर्नमेंट इज मेकिंग दीज डिटेंशन, दीज हॉस्पिटल्स एज डिटेंशन सेंटर फॉर मुस्लिम्स, मतलब एक कम्युनिटी को तुम बायस कर रहे हो, क्यों कि मतलब उससे फिर क्या है, ऑब्वियसली कुछ कम्युनिटी के लोग हैं लाइक वो डरते हुए नहीं आ रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में सुविधा अच्छी नहीं होगी, लेकिन अपने पेटी प्रॉफिट्स के लिए, छोटे लाभ के लिए गंदे गंदे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो पॉलिटिक्स का लेवल कितना गिरा है ना हर पार्टी की तरफ से, तो ओवरऑल पॉलिटिक्स देश की गर्त में चली गई। लेकिन उस टाइम के लोग देखो कितने समझदार किस्म के थे, कितने बढ़िया लोग थे, तो ऐसा होना भी चाहिए, और फिर से हम अपने कंट्री को वैसा ही बनाए, है ना, गलत ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए हमें गलत क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी की तरफ हो, किसी भी पार्टी की तरफ हो चाहिए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, बोल बच्चन कर रहा हूँ फालतू के मैं। द कांग्रेस मिनिस्ट्री इन द 7 प्रोविंसेस इन 1939 रिजाइंड, कारण क्या था, 28 महीने की सरकार थी इनकी, 1937 में इलेक्शंस हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनना स्टार्ट हुआ था। तो क्यों किया था, इसलिए किया था कि भारतीयों से पूछे बिना भारतीयों को धकेल दिया वर्ल्ड वॉर के अंदर, किसने, इंग्लैंड ने। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन द अदर 4 प्रोविंसेस, मतलब 11 में से 7 में तो उन्होंने मंत्र अपने क्या बोलते हैं सरकारें बना ली, तो बोले बाकी 4 में नहीं बनी इसलिए हम इनमें भी छोड़ देंगे। तो पागल आदमी है यार, मंत्री पद मिल गए सब, अब कैसे छोड़ोगे, ऐसा थोड़ी होता है। एमरजेंस ऑफ लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस, द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज इम्पॉसिबल, यार लेफ्ट विंग बन गया तो क्या
काम करना मुश्किल हो जाएगा क्या? वो भी एक आइडियोलॉजी है, ये भी एक आइडियोलॉजी है। देयर वर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंसेज इन देयर प्रोविंसेज, तो कम्युनल डिस्टर्बेंसेज हैं तो उनको खत्म करो, पुलिस का यूज करो। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ना, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हमको नहीं देने चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन से ये निकल के है और इस वाले क्वेश्चन से ये निकल के है कि सारे ऑप्शंस गलत थे, तो कोई भी सही नहीं है। इसका रीजन मैंने जो आपको बताया था कि बिना इंडियंस, इंडियन पीपल को कंसल्ट किए इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी निपटाते हैं, छोटा सा लेक्चर बनाएंगे, एक घंटे से कम का ही। अगला क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दी थी जिसके अगेंस्ट में नेहरू, नेहरू कौन थे पहली बात तो, नेहरू रिपोर्ट दी थी मोतीलाल नेहरू ने, और मोतीलाल नेहरू किसके पप्पा थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू के पप्पा, पप्पा नहीं पप्पा जी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, नहीं, इनकी कमी यही रह गई कि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की, तो जैसे ही डोमिनियन स्टेटस कंप्लीट इंडिपेंडेंस देखा ना तो मैंने इसको काटा, तो जैसे ही ऑप्शन ए को काटा तो ए ऑप्शन कटा, सी ऑप्शन कटा, डी ऑप्शन कटा, तो काटा पीटी मचाने के बाद में सीधा आया ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन मेरे को एकदम बेस्ट लगते हैं, ऑप्शन बी आया, ये वाले क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगते हैं मेरे को, एक ऑप्शन गलत सारे गलत। लेकिन 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 सारे ऐसे तो नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, जॉइंट इलेक्टोरेट, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कैसे आया समझाऊंगा थोड़ा सा। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ द ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स की भी बात हुई थी, ये मैंने डाल दिए हैं, ये रिकमेंडेशन थे, इनको एक बार पढ़ लेना। 19 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे मेन के लिए और वुमेन जो 21 साल और अनलेस और राइट वोट 21 साल के लिए, 21 साल की एज के हो जाओगे तो आपको वोट दिया जाएगा। जॉइंट इलेक्टोरेट की बात क्या आई थी, इसको पढ़ना स्टेटमेंट को ढंग से धुनो इसको। नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी, इट डिड प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी सीट। अब देखो जॉइंट इलेक्टोरेट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, तो रिजर्वेशन है तो मतलब जॉइंट है ना, हम में से ही बांट लेंगे अपन। इट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंस वेयर दे वर इन माइनॉरिटी नॉट इन बंगाल एंड पंजाब। सिमिलरली इट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज इन NWFP, है ना। तो इसका सीधा मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट निकल रहा है ना, तो ऐसे इंटरप्रेट करना था इसको। तो दो स्टेटमेंट सही निकल गए, फंडामेंटल राइट भी था लेकिन डोमिनियन स्टेटस था, जैसे कि कनाडा को ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था जो कि इसको खा गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, बताओ। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, अरे धुआं निकाल दी थी अंग्रेजों की, तोड़ पाड़ के पीट पाट के भगाया था, तो ये है तो सही लेकिन नॉट ट्रू पूछा है, तो गलती क्या कर देगा स्टूडेंट, ट्रू देखेगा, इट वॉज अ नॉन विच इज ट्रू नॉट ट्रू, तो नॉट पे तो ध्यान जाएगा नहीं, ट्रू पे जाएगा, तो इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, हाँ यार ये तो नॉन वायलेंट था, तो इसको ही सीधा ऑप्शन ये लगा देगा, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा उसका बंटाधार। और इस तरह से जो स्टूडेंट्स बंटाधार करवाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, घोचू, क्योंकि यार सीधा इजी सवाल था उसको अपन ने गलत करवा लिया, तो इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना है। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियाँ बहुत होती हैं हमसे, और ये ऐसी गलतियाँ जब होती हैं ना तो मैं बता रहा हूँ एक एक हफ्ते तक नींद नहीं आती, काश काश चलता रहता है हर टाइम पे। खाना खा रहे हो, रोटी का निवाला मुँह में ले रहे हो और वही काश चल रहा है, काश मैं वो नॉट ट्रू पढ़ लेता, क्योंकि काश फिर काश ही रह जाता है। तो इट वॉज नॉट अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉट ट्रू, ये ट्रू है तो नॉट ट्रू तो नहीं है, तो काटो इसको। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, एक मिनट, इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, नहीं नहीं नहीं, कोई भी मूवमेंट मास मूवमेंट एकदम स्पॉन्टेनियस नहीं होता। इट डिड नॉट अट्रैक्टेड द लेबर क्लास इन जनरल, सभी तो आए थे। इट वॉज नॉट लेड बाय गांधी जी, गांधी जी ने लॉन्च किया था, उनके बाद में लोग ही सड़कों पर उतर गए थे, है ना, और लीडर्स को भी क्या बोलते हैं
अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने लीड किया था इसको, है ना। तो पीपल्स मूवमेंट हो गया है एक तरीके से, तो ऑप्शन बी इसका हो गया आंसर। अगला देख लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, कोशिश कर लेते हैं। एक ये वाला क्या बोलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएटेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट। ये ऑप्शन गलत है। शुक्ला जी थे, है ना, राजकुमार शुक्ला थे, क्या नाम था उनका, हाँ राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला वहीं के थे, उन्होंने बोला था कि गांधी जी को आओ और यहां पर सिचुएशन को एस्टिमेट करो, है ना, तो उन्होंने बुलाया था। तो ऑप्शन वन जहां जहां पे नहीं है उसको काटो, जहां जहां पे है, क्योंकि ये गलत है। तो ए कटा और सी कटा। अब देखते हैं बी और डी में। आचार्य जे बी कृपलानी, जिसको जो कि प्रोफेसर थे, वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधी के कॉलीग, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी आंसर, फैक्चुअल क्वेश्चन है। और देखो गांधी जी ने स्टार्टिंग ही, मतलब इंडिया में आने के बाद में अपने फ्लेक्सेस फ्लेक्सेस जो ईज किए थे ना, मसल्स को फ्लेक्स किया था, फ्लेक्सेस शार्प किए थे और मसल्स को फ्लेक्स किया था, वो केक से किया था, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा। और इनका पैटर्न समझ लेना कि किस टाइप के मूवमेंट थे, है ना। तो ये चीज थी, ये है राजकुमार। जमाई आ रही है, जमाई, पता है आजकल क्या चल रहा है, आजकल लॉकडाउन के अंदर तीन चीज सबसे प्यारी हैं। आजकल दुनिया में मुझे तीन चीजें सबसे प्यारी लग रही हैं, पता हूँ क्या, एक तो सुबह की नींद, ठीक, एक दोपहर की नींद और एक रात की नींद। ये तीन दुनिया की सबसे हसीन चीजें हैं आजकल लॉकडाउन पीरियड में। और सोते सोते इतना थक जाता हूं ना कि थकान मिटाने के लिए थोड़ा और सोना पड़ जाता है, तो ठीक है भाई, है ना, भगवान ऐसी थकान सभी को दे। राजकुमार शुक्ला तो ये हैं, और साथ में 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी आए थे, और संत राउत रावत थे अमोलवा विलेज में, उनके साथ उनके यहाँ पे रुके थे। और बाकी मेंबर्स इनकी टीम में कौन थे, ब्रज कुमार, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिंह, बाबू गया प्रसाद सिंह, रामनवमी प्रसाद, जे बी कृपलानी, है ना, और राजकुमार शुक्ला। तो इनको बुला के लाए थे, तो बहुत बढ़िया। तो अंधेरा कायम रहे और सोते रहो, अंधेरा कायम नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलता है, महात्मा गांधी सेड दैट सम ऑफ हिज डीपेस्ट कन्वेंशन वर रिफ्लेक्टेड इन द बुक अनटू दिस लास्ट एंड द बुक ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। अच्छी बात, क्या बोलता है, व्हाट वाज द मैसेज ऑफ द बुक अबाउट व्हिच ट्रांसफॉर्म्ड महात्मा गांधी। क्या पहला ऑप्शन क्या दिया हो, मतलब ये बुक थी जिसमें कि जिसने कि गांधी को बहुत प्रभावित किया था, अनटू दिस लास्ट, तो उसमें पहला ऑप्शन क्या है। एक सेकेंड, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, अपलिफ्टिंग द ऑप्रेस्ड एंड पुअर इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एजुकेटेड मैन। हाँ बिल्कुल है, लेकिन इससे वो प्रभावित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भगवान कोरोना से बचाना बस, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल, एक ये है, अच्छी बात। अगला, द लाइफ ऑफ सेलिबसी एंड स्पिरिचुअल परस्यूट आर असेंशियल फॉर नोबल लाइफ। बात तो ठीक है, ब्रह्मचर्य का जीवन, लेकिन बेचारा कोई जो शादीशुदा है तो उसको तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि वो नोबल लाइफ नहीं जी रहा है, एसेंशियल नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट चीज है, सेलिब्रेट होना बहुत अच्छी बात होती है, सेल्फ कंट्रोल करना। अगला, बोथ ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये तो देखो इसमें क्या, गांधी जी की जो फिलॉसफी थी ना उससे क्या समझ में आती है, गांधी जी की फिलॉसफी बुद्धा की फिलॉसफी लगभग एक जैसी है, जैनिज्म की फिलॉसफी, वहीं से ही सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और इस बुक में भी इनको ऐसी बुक बातें मिल गई तो गांधी जी और इम्प्रेस हो जाएंगे। तो जैसे बुद्धा बोलते थे ना,
चरत भिक्खवे चारी को, लोकानुकंपाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मतलब बहुत से, मतलब इनके उनके जो भिक्षु बनते थे, मोंक बनते थे, तो आगे बढ़ते रहो, चरत भिक्खवे चारी को, लोकानुकंपाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मतलब बहुत लोगों का हित और बहुत लोगों का सुख ही आपका लक्ष्य है, तो द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। इंडियन फिलॉसफी इसी पर ही टिकी हुई है, वसुधैव कुटुंबकम, हमको है इस पर दम, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब पूरा विश्व एक परिवार के जैसे है, तो परिवार के जैसे है तो मेरा गुड किस में है, जब मेरे परिवार के गुड में है ना, तो सबका गुड गुड होना चाहिए, तो गुड गुड गुडेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह की फिलॉसफी। क्वेश्चन में क्वेश्चन जो ये आया है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, और गांधी जी को जितना अच्छा हम समझ लेंगे ना, अगर उतना बढ़िया हमारे लिए प्रीलिम्स में भी होगा, मेंस में भी होगा, और मेंस में एथिक्स पेपर में बहुत फायदा करेगा गांधी जी। और साथ में आजकल रामायण भी चल रही है, तो रामायण भी देख लो। रामायण हमें ये सिखाता है कि जीवन में क्या करना चाहिए, महाभारत हमें ये सिखाता है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, है ना, इससे हमें चीजें समझ में आती हैं, तो बढ़िया है, सीखें तो अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लगभग ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, डू और डाई किसका स्लोगन था, तो ये रटा हुआ क्वेश्चन है, सबको पता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी जी के बारे में एक मस्त बात बताता हूँ। अब अपना बोल बच्चन वाला पार्ट स्टार्ट होएगा कि उसके बाद में बताऊंगा। ये गांधी जी का फोटो है जब वो इंग्लैंड गए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद डांडी मार्च, तो कौन सा डांडी मार्च के साथ में क्या बना था, सबको पता है, हमने डिसोबीडियंट थे लोग उस टाइम पे लेके। ओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द डांडी मार्च, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, थोड़ा गलती से हर बार की तरह हमने गलती से ये लिख दिया है, जिसको हम सुधार लेते हैं। चलो आपको मैं वो दे देता हूँ होमवर्क, डांडी मार्च के साथ में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। होम रूल, क्विट इंडिया तो हुआ नहीं था, होम रूल 1916 में आ गया था और क्विट इंडिया बाद में आ गया था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क कहाँ पे करोगे आप ऑप्शन में, और ये भी लिखना है कि नॉन कोऑपरेशन है तो इसका क्या मतलब है, और सिविल डिसोबीडियंस है तो इसका क्या मतलब है। और आज के ही पेपर में मैंने डांडी मार्च से रिलेटेड ये सिविल डिसोबीडियंस है कि नॉन कोऑपरेशन है कई बार बता दिया है, तो देखता हूँ आप कितना ज्यादा रिटेन करते हो इसको, तो ये लिखना है। तो नॉन कोऑपरेशन होगा तो इसका मतलब भी लिखना है कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, और सिविल डिसोबीडियंस है हम नहीं मानते तुम्हारी बात, है ना, हम तो तोड़ेंगे नियम, तो उसका क्या मतलब है, तो सीधा सा बताना है अपने को। ये डी ऑप्शन तो नहीं है, तो ये मैंने गलत लिख दिया था, तो बताओ। द 20 डे मार्च हुई थी 12 अप्रैल, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक गए थे, साबरमती आश्रम से डांडी नौसारी करके एक जगह है, शायद 379 किलोमीटर चले थे ये, पहिया पहिया 76 या 80 लोग थे इनकी टीम में। तो देखो गांधी जी जा रहे हैं एकदम, गांधी की मूवी देखना, गांधी जो सर बेन किंग्सले ने एक्टिंग की थी, बड़ा शानदार मजा आ गया था उसको देख के, उसमें भी दिखाते हैं डांडी मार्च। गांधी इज अ फोड़ू आदमी। देखो गांधी जी के बारे में अब बोल बच्चन ही स्टार्ट हो गए हैं, तो देखो जिन जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई कर ली है, ठीक है, तो अब वो वीडियो छोड़ सकते हैं। अब अपन 5-10 मिनट थोड़ा बोल बच्चन का अभ्यास करते हैं, देखते हैं क्या। यार गांधी जी है ना तगड़ी पर्सनैलिटी थे। देखो गांधी जी इंग्लैंड में गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, तो देखो गांधी जी को कितना ज्यादा सपोर्ट मिलता था। देखो ये फिरंगी औरतें हैं सारी, ब्रिटिश वेमेन है ना, तो देखो कितना प्रेम है, गांधी जी के आगे पीछे घूम रहे थे सब लोग। अच्छा, ब्रिटेन की महारानी ने, क्वीन एम्परर मतलब दुनिया का सबसे बड़ा खानदान, उन्होंने गांधी जी को मिलने के लिए बुलाया, तो गांधी जी गए अपनी लंगोटी में, धोती कुर्ते में। हमें है ना कोई छोटा सा अधिकारी भी बुलाता है ना, तो सूट बूट पहन के जाते हैं, है ना, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब भी नंगा जाना स्टार्ट कर दें, लेकिन इस इंसान का कन्विक्शन देखो, पावर देखो, कि इसको इन चीजों से मतलब ही नहीं है,
सचमुच में इस व्यक्ति को वैराग्य नहीं बोला जा सकता, वैराग्य की चरम सीमा पर इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है कि इसके एक्ट, इसके एक्शंस के हिसाब से, इसकी अपियरेंस, इसका मटेरियल पोजेशन उसके सामने कुछ ही नहीं है। और ये आदमी कोई हल्का भी आदमी नहीं है। लंदन कॉलेज से इसने बैरिस्ट्री की उपाधि ले रखी है ना। इतने बड़े देश की इतनी जनता का ये लीडर है ना। वो जीने मरने को तैयार है इंसान के लिए, फिर भी इस इंसान को कुछ भी लाग लपेट नहीं है। तो ट्रूली सेंटली पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। वैराग्य के चरम सुख का जीवन जी रहा है ये, तो विरक्ति वाला पुरुष हुआ। तो बहुत ज्यादा इंपायर इंस्पायर करने वाली पर्सनैलिटी है ना। जिस तरह से हम भटकते रहते हैं ना, थोड़ा सा इस इंसान को अगर देखें और समझें ना, तो काफी आगे ले जा सकते हैं हम लोग, है ना। तो बहुत बढ़िया चीज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली। मैं गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पायर रहता हूँ, पॉलिटिकली भले ही ना हूं, लेकिन पर्सनली आई अडोर दिस पर्सन। तो अब करते हैं बोल बच्चन। हमेशा की तरह बोल बच्चन का अल्टीमेट एम यही होता है कि हमें डेली दिन में कुछ ना कुछ अच्छी या पॉजिटिव बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्यों? इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। एटलीस्ट एक मोटिवेटेड हम रहते हैं कि लाइफ में हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली काम तो हमारा बनेगा मेहनत करने से ही, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ओवरऑल लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनका मौका मिलता ही है। समय समय पर की गई धर्म चर्चा बुद्धा ने बोला था, तो हमें करनी चाहिए। तो देखो, हमने स्टूडेंट की डेफिनेशन तो पढ़ ली थी, आज अपन क्या देखेंगे? हर्डल्स इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट। देखो, स्टूडेंट को फोकस्ड होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन स्टूडेंट के साथ में समस्या बताऊं क्या है, ये है। तो आज मैं इन चीजों की भूमिका बना रहा हूं, एक एक करके हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन चीजों को हम कैसे सुधार सकते हैं। स्टूडेंट की सबसे पहली समस्या बताऊं क्या है, टाइम मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज को मैनेज करना, और मैनेज किस चीज को किया जाता है, जिस चीज की होती है क्राइसिस स्कैरसिटी। मिट्टी पड़ी है दुनिया में बहुत सारी, दुनिया भर की मिट्टी पड़ी है। मिट्टी मैनेजमेंट सुना है आपने कहीं? नहीं सुना। क्यों? दुनिया भर की पड़ी है, चाहे जितनी है खाए जाओ, उड़ाए जाओ। लेकिन लेकिन मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? मनी की स्कैरसिटी है ना, लिमिटेड अमाउंट है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उनका मैनेजमेंट करना होता है। किसी ने बोला है, जबकि आजकल तो ना एयर मैनेजमेंट भी होने लगा है, लेकिन हवा खा ले भाई, खा दुनिया भर की, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता, अबेंडेंस में है। टाइम क्या है? 24 घंटे ही है, और काम करना है बहुत ज्यादा, वो मैनेज नहीं हो पाता। क्या कारण है, क्यों मैनेज नहीं हो पाता, उसको तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन ये समस्या तो है टाइम मैनेजमेंट की। बहुत बढ़िया। अगली एक बड़ी समस्या क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या छोड़ना यार, कल कर लेंगे, देख लेंगे यार, सोना है अभी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन टालने की आदत बहुत ज्यादा बन चुकी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ऑल टुगेदर लाइफ में एक बार हम इसकी वजह से बहुत ज्यादा फेलियर झेलेंगे, पता नहीं, पता भी नहीं चलेगा अपने को, प्रोक्रेस्टिनेशन। दूसरी चीज डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? मैं डिप्रेस्ड हूं, मीन्स चारों तरफ से मुझे नेगेटिव थॉट्स ने और नेगेटिविटी ने घेर लिया है। और ये सिचुएशन हम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमें हमारी लाइफ में, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं। डिप्रेशन भी बड़ी पकड़ती है अपने को, तो ये भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। और जब भी आदमी डिप्रेस्ड है ना, तो वो इम्प्रेसिव तो हो ही नहीं सकता। तो डिप्रेस इम्प्रेस करेगा वो चांसेस ही नहीं है। और करना हमको इम्प्रेस है, एटलीस्ट यूपीएससी को करना है, गर्लफ्रेंड को भी करना है, मम्मी पापा को भी करना है, सबको करना ही है ना इम्प्रेस। डिप्रेसिव आदमी के साथ कोई रह नहीं सकता, तो ये भी प्रॉब्लम है। हेल्थ कंडीशन डिटीरियोरेटेड हेल्थ है। चार बार छींक चुका हूं, खांसी आ रही है बार बार में, भले ही कोरोना वायरस नहीं है, हेल्थ कंडीशन खराब है। रिलेशनशिप इश्यूज, पंगा क्या है, झगड़ा चलता है हर टाइम पे दोस्तों के साथ में, क्यों? डिप्रेस है और हेल्थ कंडीशन खराब है। तो उसका आउटकम, उसका जो रिफ्लेक्शन भी तो सही नहीं है ना, तो रिफ्लेक्शन सही नहीं है तो क्या गलत रिफ्लेक्शन है, और वो रिफ्लेक्शन किस पर आएगा? रिलेशनशिप्स के साथ में। और रिलेशनशिप क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स के साथ हमारी डीलिंग, विच वे वी डील विद अवर सराउंडिंग्स, वो हमारी रिलेशनशिप्स कहलाती हैं। तो वो भी प्रॉब्लम्स हैं। और यार एक बात बताओ, झगड़ा ही चलता रहेगा तो पढ़ाई होगी क्या? साधक बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, लाइफ बड़ी फास्ट हो चुकी है, तो लस्ट का एडिक्शन है भयंकर लेवल पे। अल्कोहल, चल दारू पीते हैं, एक सोशल मीडिया। अब इस पर ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि इस पर बताने को बहुत कुछ है,
तो जिस चीज पर बहुत ज्यादा बताने का हो ना, तो उस पर कुछ भी नहीं बताना चाहिए। लस्ट का एडिक्शन तो है ही ना यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अल्कोहल का एडिक्शन है ही, सोशल मीडिया का एडिक्शन है ही। दूसरा, सोशल डिस्ट्रैक्शन। ये क्या होता है? देखो, हमारी ना एक दूसरे की कंपेयर करने की आदत बड़ी हो गई है। सोशल डिस्ट्रैक्शन का मतलब, मैं एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी हूँ, सामने वाला अलग टाइप की पर्सनैलिटी हूँ, मैं अपने आप को जानता नहीं हूँ, है ना। चलो ठीक है, सामने वाले का पता नहीं कि वो अपने आप को समझता है, जानता है कि नहीं है। उसने ले आया गिटार, बोला मैं करूंगा पैशन फॉलो, तो उसने स्टार्ट कर दिया अपना पैशन फॉलो करना। तो वो पैशन को फॉलो कर रहा है और एक कैमरा भी ले आया, तो भाई डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं नहीं कर रहा पैशन फॉलो, तो मैंने अपनी सारी ऐसी तैसी करवा के एक कैमरा भी खरीद लिया और एक गिटार भी खरीद लिया, जबकि मेरा मन ही नहीं करता है। इस सोशल डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेरा डिप्रेशन और बढ़ गया, रिलेशनशिप और खराब हो गए। क्यों? फ्रस्ट्रेट रहता हूँ हर टाइम पे। गिटार खरीद लिया, 5,000 रुपये तो उसके गए, DSLR का 40,000 रुपये वो गए, 45,000 का नुकसान करके बैठा हूँ, गुस्सा तो आएगा ही यार। और गुस्से को मिटाने के लिए लस्ट, एल्कोहल, सोशल मीडिया, फंस गए ना। सोसाइटी क्या होती है? कंपेनियनशिप, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हुए चलना। लेकिन आज के टाइम पे क्या, हम एक दूसरे को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरिजन दुनिया का सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्लास में कभी मौका मिलेगा ना, तो कंपेरिजन से दुनिया की सारी समस्याएं कैसे हैं बताऊंगा आपको। फीलिंग ओवरवेल्म्ड, एक छोटे से टुच्चे से क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए, पागल हो जाते हैं। और मैंने तो ये कर दिया, छोटा सा एग्जाम क्लियर हो जाता है, बावड़े हो जाते हैं, मैं तो दुनिया का राजा ही हूं। तो भाई साहब, गीता में लिखा है अति सर्वत्र वर्जते, वो डिस्ट्रैक्शन है लाइफ का बहुत बड़ा। ना तो अंडरवेल्म होना है ना ओवरवेल्म होना है, हमें रहना है इक्वानिमस। इक्वानिमिटी इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ, वो चीज। अगली चीज, हाफ नॉलेज या फिर कंफ्यूजन रहना। हाफ नॉलेज इसलिए क्या है कि हम टिक के नहीं पढ़ते हैं, बेस तो बनाते नहीं है पढ़ाई का, है ना, बेसिक से चीजों को पढ़ते नहीं है, फिर कंफ्यूज रहते हैं। बुद्धा ने एक बात बोली थी, बुद्धा ने एक तगड़ी बात बोली थी। क्या बुद्धा ने बोला था? बुद्धा को बार बार मैं कोट क्यों करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा उनको पढ़ता हूँ, मुझे पसंद है और उनकी बातें लॉजिकल लगती है, औरों को भी पढ़ता हूँ, स्वामी विवेकानंद, लेकिन अभी बुद्धा की बात याद आई। तो बुद्धा ने एक बात बोला था, ज्ञान का नहीं होना कोई गलत बात नहीं है, है ना। ज्ञान नहीं होना किसी आदमी को, नॉलेज नहीं होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट इफ अ पर्सन इज नॉट हैविंग द नॉलेज एंड स्टिल वो ज्ञान दे रहा है, उससे बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं होता। तो हाफ नॉलेज ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन इन मी एंड इन अदर्स ऑल्सो, और मेरी वजह से किसी दूसरे में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो उसका सीधा इंपैक्ट होगा रिलेशनशिप में, दोस्ती टूटेगी टूटेगी, और रिलेशनशिप पे इंपैक्ट होगा तो डिप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो हाफ नॉलेज नहीं रखनी है, उसके लिए हमें अपने आप को सस्टेनेबल बनाना है, तभी तो हाफ नॉलेज दूर होगी, लंबी रेस का घोड़ा। अगली चीज, पीयर प्रेशर। भाई साहब ठीक है, नहीं बन पाया मैं, मेरा नहीं हुआ IIT में सिलेक्शन, मेरे भैया का हो गया, मेरा नहीं हुआ मेडिकल में सिलेक्शन, बस ये चीज खाए जाएगी जिंदगी भर, कुछ नहीं मिलने का। ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, तो पीयर प्रेशर भी खा रहा है। तो ये सब चीजें स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको ओवरकम कैसे करना है, इसका भी एक एनालिसिस है, धीरे धीरे करके इस पर भी बातें करेंगे। बोल बच्चन अपने चालू रहेंगे। अभी देखो 22वां दिन है ना, तो 22वां दिन है, 50 दिन तक आते आते 5-7 क्लास तो होंगी और अपनी, तो कर लेंगे इनको भी। उसके अलावा बहुत अच्छे से पढ़ो, सभी टीचर्स आपको बहुत मेहनत करवा रहे हैं, उनकी मेहनत का सिला आपको देना है। कैसे? कल अपने इकोनॉमिक्स वाले सर आएंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाएंगे आपको, और इनके रोल्स, ब्रेटन वुड्स वगैरह ये सब, तो उनको आपको तैयार करना है बिल्कुल। इकोनॉमी का पार्ट भी हो जाएगा और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पार्ट भी करना है। तो जितने भी आपको मेहनत करवा रहे हैं ना, टीचर का सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलकर सक्सेस अटेन करो, तो कर भी लेनी है। और हमें बिल्कुल भरोसा है कि OnlyIAS के स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स लाके देंगे। ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। OnlyIAS, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर anyway, anyhow। सो हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।